हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी जैगवार में आप सभी भाइयों का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TNPL 2023 के 9th मैच के बारे में, जो कि आप देख पाओगे लाइका कोवे किंग्स वर्सेज चेपुक सुपर ग्लिच के बीच। ये मैच खेला जाएगा, शाम 7:15 बजे स्टार्ट होगा मैच। वेन्यू रहने वाला है NPR कॉलेज ग्राउंड डांडीगुल से। यह मैच आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस मैच का जो भी फाइनल अपडेट होगा वो आपको सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जब भी वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, लास्ट दो मैच है ना, यहाँ पर लो स्कोरिंग देखने को मिला था और जो बैटिंग सेकंड करने वाली जो टीम है वो चैज इजली यहाँ पर कर रही थी। ठीक है, सुनने पर पेसर्स का अच्छा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर। ओपनर एंड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, औसतन स्कोर की बात कर लेते हैं, एवरेज स्कोर 150 से 160 के बीच यहाँ पर आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। वेन्यू रिकॉर्ड में आते हैं तो सबसे पहला नाम आ रहा है पावर प्ले डाटा। पावर प्ले में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 से 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें मैक्सिमम टाइम हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यू विकेट देखने को मिल रहे हैं पावर प्ले के अंदर, सिर्फ फर्स्ट मैच के अंदर देखने को नहीं मिला था। बाकी 2 से 3 विकेट एक बार देखने को मिला, 2 विकेट काफ़ी बार देखने को यहाँ पर मिल गया है। सेकेंड बैटिंग में भी सेम सिनेरियो, लास्ट मैच में 3 विकेट देखने को मिला था। ठीक है, उससे पहले 2 विकेट। ठीक है, 2 बार ऐसा विकेट देखने को नहीं मिला पावर प्ले के अंदर सेकेंड बैटिंग के अंदर। ठीक है, पेसर्स की बात कर लेते हैं तो अच्छा रिकॉर्ड है पेसर्स का। फर्स्ट इनिंग में आप देखोगे 6 विकेट 5 विकेट 3 विकेट इस तरह से। सेकेंड बॉलिंग में आप देखोगे तो इतना खास नहीं है। अगर हम बात करें स्पिनर की तो सेकंड बॉलिंग में स्पिनर का अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पर। फर्स्ट बॉलिंग में भी है, क्वालिटी स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। CVC ट्रेंड्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट में एक बार नज़र डालोगे आप फास्टर, ठीक है, स्पिन मतलब ओवरऑल आपको फास्टर कैप्टन वॉइस कैप्टन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहीं सेकेंड बैटिंग सेकेंड बॉलिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ओपनर देखो इस तरह से कैप्टन वॉइस कैप्टन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। ग्रांड लीग के लिए स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में नारायण जगदीशन है 750 इस वेन्यू के ऊपर, और स्मॉल लीग के लिए और जेल के लिए अच्छे विकल्प हैं आप सभी के लिए आज के मैच के लिए। सुरेश कुमार अच्छा बैट्समैन है, मस्ट पिक रहेगा जेल और स्मॉल लीग के लिए। पी रंजन पुल की मैं बात कर लेता हूँ, वेरी टैलेंटेड बैट्समैन है, रोटेट कीजिए अपनी जेल टीम के अंदर। ठीक है, 3 विकेट कीपर सेक्शन में ऑप्शन है आज के मैच में। बैटिंग सेक्शन में संजय यादव सेफ है, शाहरुख खान सेफ है, ठीक है, दोनों टॉप क्लास ऑलराउंडर है तो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। साई सूरदर्शन देखो बिग प्लेयर है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है तो मस्ट पिक रहेंगे जीएल और स्मॉल लीग के लिए। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में बाबा अपराजित, ये भी आपके लिए बढ़िया विकल्प है दोस्तों, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देखे जा रहे हैं। हरीश कुमार, ठीक है, ये भी आपके लिए बेस्ट विकल्प है आज के मैच के लिए, दोनों ही ऑलराउंडर में मस्ट पिक रहने वाले हैं स्मॉल लीग के लिए। एल किरण आकाश वेरी गुड बॉलर है, पावर प्ले एंड डेप्थ बॉलर स्पेशलिस्ट है, तो बॉलिंग फर्स्ट में आप इनको जीएल में कैप्टन वॉइस कैप्टन दीजिए। ठीक है, इनका परफॉर्मेंस आने वाला है, वन साइडेड मैच जिताने वाले हैं ये। बॉलिंग सेक्शन में स्टेट्स की बात कर लेते हैं, एम मोहम्मद और राहिल शाह, ठीक है, दोनों ही सेफ पिक्स हैं स्मॉल लीग के लिए। डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं, आर रोहित अच्छा बॉलर है दोस्तों और डेप्थ में भी अच्छी बॉलिंग करता है, बट 4 ओवर कंप्लीट नहीं डाल रहे तो यही एक प्रॉब्लम है। एम सिद्धार्थ की बात करें, ये भी अच्छा बॉलर है, पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर है, तो टॉप पिक्स रहेंगे स्मॉल लीग के लिए क्योंकि सिलेक्शन परसेंट डाउन आपको देखने को मिल जाएगा इनका। एम सिल्वावर्सन की मैं बात कर लेता हूँ, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ठीक है, तो मनी राइट हैंड बैट्समैन है एलके की टीम की साइड से, तो जीएल पिक्स रहने वाले हैं आप सभी के लिए इस मैच के अंदर। ठीक है, स्मॉल लीग और ग्रांड लीग के लिए बात करें कैप्टन वर्स कैप्टन के लिए इस मैच के अंदर, तो सेफ रहेंगे साई सूरदर्शन, बाबा अपराजित, पूरी दुनिया इनको बना के आ रही है दोस्तों। ठीक है, और दोनों ही शानदार लेम में, इनसे हटके आप जा भी नहीं सकते, और डिफरेंशियल शाहरुख खान स्पेशली बैट फर्स्ट के अंदर, ठीक है, स्पेशली आप बैट फर्स्ट के अंदर बना सकते हो। नारायण जगदीशम की बात कर लेते हैं, स्पेशली आप बैटिंग सेकंड में आप इनको बनाइए, ठीक है, डिफरेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। और सुरेश कुमार जीएल के लिए CVC रहेंगे, हरीश कुमार भी रिस्की रहेंगे जीएल में कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए इस मैच के अंदर। तो दोस्तों, ये था शॉर्टलिस्ट एनालिसिस, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है,
वहां से आप इजी में ज्वाइन हो सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।